जूझ रहे चीन के यूनान प्रांत में सोमवार को एक व्यक्ति की मौत हंता वायरस से हो गई। पीड़ित व्यक्ति काम करने के लिए बस से शडोंग प्रांत लौट रहा था। उसके शरीर में हंता वायरस पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद बस में सवार 32 अन्य लोगों की भी जांच की गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। बड़ी संख्या में लोग ट्वीट करके ये डर जता रहे हैं कि यह कहीं कोरोना वायरस की तरह महामारी ना बन जाए। लोग कह रहे हैं कि अगर चीन के लोग जानवरों को जिंदा खाना नहीं बंद करेंगे तो ये होता रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि हंता वायरस क्या होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हंता वायरस कोरोना वायरस के जितना घातक नहीं है। ये चूहे या गिलहरी के संपर्क में इंसान के आने से फैलता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक चूहों को घर के अंदर और बाहर करने से हंता वायरस के संक्रमण का खतरा रहता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और फिर भी वो हंता वायरस के संपर्क में आता है तो उसके संक्रमित होने का खतरा रहता है। हालांकि हंता वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चूहों के मल और पेशाब आदि को छूने के बाद अपनी आंख, नाक और मुंह को छूता है तो उसके हंता वायरस से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इस वायरस से संक्रमित होने पर इंसान को बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी और डायरिया जैसे लक्षण होते हैं। अगर इलाज में देरी होती है तो संक्रमित इंसान के फेफड़ों में पानी भी भर जाता है, उसे सांस लेने में भी परेशानी होती है। CDC के मुताबिक हंता वायरस जानलेवा है। इससे संक्रमित व्यक्तियों के मरने का आंकड़ा 38% है। चीन में हंता वायरस का ये मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब पूरी दुनिया वुहान से निकले कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। कोरोना वायरस से अब तक 16,500 लोगों की मौत हो गई है। यही नहीं, अब तक दुनिया के 3,82,824 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब ये वायरस दुनिया के 196 देशों में फैल चुका है। कोरोना के बाद अब हंता से लोग दहशत में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।